कनाडा में एक ऐसा प्रोग्राम आ रहा है कि जो स्किल्ड वर्कर है उनके लिए है, और प्रोग्राम का नाम है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। और इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इसमें अगर जो आपके पास में एजुकेशन है या जिसके पास में एजुकेशन बहुत ही कम है, हम अगर सही तरीके से बड़ा फैक्टर बोले इसके लिए, तो सबसे बड़ा फैक्टर ये रहेगा इसके लिए कि इसमें एजुकेशन नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष तोमर। जो फेडरल वर्कर्स प्रोग्राम है कनाडा के लिए, वो वहाँ की गवर्नमेंट ने निकाला है, और मैं सबको बोलता हूँ एक ही चीज़, ये PNP प्रोग्राम इतने इसलिए निकल रहे हैं कि आप फ्रॉड के चक्कर में ना आए। कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए ले रहे हैं, ठीक है, और फिर क्या है कि पैसा चला जाता है आप लोगों का, और आप फ़ोन करते हो उनको, पैसा निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने, कनाडा की गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम निकाला है कि जिनके पास में एजुकेशन नहीं है, बहुत ही कम एजुकेशन है, या जो 5th क्लास है या 8th क्लास है या 10th क्लास है, ठीक है, और या जिसके पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है एजुकेशन का, वो भी इसमें अप्लाई कर सके। लेकिन आराम से पहले वीडियो देख लो, इसमें कुछ कंडीशंस है, आराम से वो कंडीशन देखो और उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बोलता हूँ कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजें ना, वो डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप पे ना भेजें, वो सीधा आप मेल के थ्रू भेजें, renukaglobalc@gmail.com, ठीक है। दोबारा से आपके CV बनने शुरू हो गए हैं यूरोपियन फॉर्मेट में, जिसको CV भेजना है वह कन्वर्ट कराने के लिए, वो rkresume@gmail.com पे भेज सकता है, कन्वर्ट हो गया आपका आ जाएगा, और ये एक पेड सर्विस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम फेडरल स्किल प्रोग्राम के बारे में। अलग अलग प्रोविंस है, स्टेट है, टेरिटरीज है, ठीक है, और जिन्होंने निकाले हैं, और इसमें सबसे जो बड़ा फैक्टर मैंने आपको बताया वो एजुकेशन ही है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको IELTS, ठीक है, और जो एक CLB स्कोर है वो मिनिमम 5 चाहिए, और जो IELTS है वो आपको 5+ उसमें आपको बैंड लेके आने हैं। ये इसमें एक इनकी कंडीशन है कि ये आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं हम ये कौन कौन सी NOC में आते हैं, ठीक है। इसकी NOC रहेगी 72, 73, 83, 632 एंड 633। ये NOC के अंडर में आएंगे जो जो मैंने NOC बताई है आपको। ये उनके लिए है, देखिए, जिनके पास में टेक्निकल स्किल्स है, ठीक है, आपके पास में कोई एजुकेशन नहीं है लेकिन आप टेक्निकल कोई काम कर रहे हैं, आप सिविल से कोई काम कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिशियन से कोई काम कर रहे हैं, और आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, मतलब जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, या आपकी बोले कि आपकी जो भी टेक्निकल स्किल्स है, अगर आप उससे जुड़ा हुआ कुछ भी काम कर रहे हैं और आपके पास में कोई IT नहीं है, ITI नहीं है, और कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप घर बैठे भी इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो जेन्युइन कंसल्टेंसी हो, ठीक है, वो अपनी जो भी चार्ज होगा, चाहे उसका 20,000 है, 40,000 है, चाहे 60,000 है या 1 लाख है, वो आपकी और कंसल्टेंसी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसको कितना पे कर रहे हो और वो कितना आपसे मांग रहा है। अब इसमें जो सबसे बड़ा दूसरा जो फैक्टर है वो है प्रूफ ऑफ फंड, जो इसमें आपको फंड शो कर रहा है। देखिए, जो कनाडा इमिग्रेशन में इस पे एक मेजरमेंट बनाया है फंड शो करने का, मेन एप्लीकेंट का मतलब है कि जो सिंगल बंदा जा रहा है उसके लिए, वो है 12,960 कैनेडियन डॉलर। अब जो इन्होंने एक मेजरमेंट एक बना दिया इन्होंने मिनिमम, ये नहीं कि आप इतना ही दिखाओ, अगर आप इससे ज़्यादा दिखा सकते हो तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी वाइफ आपके साथ में जा रही है उसका अलग रहेगा, इसमें 2,500 डॉलर ऐड हो जाएंगे। एक बच्चा जा रहा है तो उसमें और पैसा ऐड हो जाएगा, तकरीबन 1,000 से 2,000 डॉलर के आसपास, ऐसे ही ऐसे आपके ऐड होते जाएंगे। लेकिन जो मेन एप्लीकेंट है वो अराउंड 13,000 के आसपास में जाएगा। अच्छा, इसमें बीच में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जिस दिन स्विच ऑफ होता है या आपका फ़ोन नहीं लगता है, तो आप थोड़ा इस चीज़ को सोचा करें कि आज कोई गजेटेड छुट्टी तो नहीं है, कोई हॉलीडे तो नहीं है, इसलिए फ़ोन नहीं लग रहा है, ठीक है। कुछ बंदे क्या है ना, संडे में फ़ोन करते हैं, फिर मंडे में मुझे बोलते हैं कि सर मैंने कल फ़ोन लगाया कि आपका फ़ोन लगता ही नहीं है। अब जैसे शिवरात्रि की छुट्टी थी, अब फ़ोन कर रहे हैं बंदे, नेक्स्ट डे मुझे बोल रहे फ़ोन करके सर आपका तो स्विच ऑफ था। तो थोड़ा आप सोचा करो कि कोई छुट्टी तो नहीं है,
और जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 10:30 से लगा कर 5 o'clock तक, इसी बीच में आपका फ़ोन लगेगा, उसके बाद में या उससे पहले आपका फ़ोन नहीं लगेगा। कुछ बंदे ऐसे हैं समझदार, ठीक है, कुछ क्या करते हैं, अच्छा जी स्विच ऑफ हो गया, हेलो हम व्हाट्सएप पे कॉल लगा देंगे, वो क्या करते हैं 11 बजे रात में 12 बजे सुबह 5 बजे फ़ोन करते हैं व्हाट्सएप पे। तो ऐसा मत करो। अच्छा अभी हम जो मेन बात है वो कर लेते हैं। अब इसमें जो फेडरल स्किल्ड जो प्रोग्राम है इसमें बात कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे। अगर आप है, आपके अगर कोई सर्टिफिकेट है और आपका कोई एजुकेशन का है सर्टिफिकेट वो लगेगा, आपका पासपोर्ट, आपके फ़ोटो, ठीक है, और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो उसके सर्टिफिकेट लगेंगे, वाइफ जा रही है आप दोनों का मेरी सर्टिफिकेट लगेगा, बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, उनका पासपोर्ट लगेगा, ठीक है, और उनके फ़ोटोज़ जाएंगे जब आप अपडेट करेंगे एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप स्कैन करके अपने सिस्टम पे रखना, आपको फीस के साथ साथ और ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में चाहिएंगे अपलोड करने के लिए। अब जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में एजुकेशन नहीं है, आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उसमें आपके पास में एक प्लस पॉइंट रहता है कि अगर आपके पास में 10th है या 12th है उसके अलग से आपको मार्क्स मिलते हैं या पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास में एजुकेशन नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता है, तो वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप लोग अप्लाई करो। हमारे थ्रू अप्लाई करना है आराम से अप्लाई करो, घर बैठ कर आराम से अप्लाई करना है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऑफिस में आपसे बात हो जाएगी। अगर फ़ोन पिक नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि स्टाफ बिजी है या मैं बिजी हूँ या लंच टाइम चल रहा है, तो उसमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो छोटी सी कनाडा के लिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप लोग अप्लाई करो इसमें, और मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर, जय हिंद।